रमजान को ईद की खुशियाँ मुबारक हों और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन कायम फरमा और हमारे हकीकी खुशियों से खुश नास्ता बर मोहम्मद आल मोहम्मद सलाम जाफर साहब का हुक्म है कि एक कलम पढ़ना है लेकिन मुझे दो फरमाइशें मिल चुकी हैं देखते हुए पढ़ने वाले ज्यादा है बहुत कम है और खुशूसियत यह है आज के इस प्रोग्राम की कि दो हमारे इंतहाई खूबसूरत पढ़ने वाले शायर आले आबाद जनाब नूर अली नूर साहब जिनका शाबान की तकरीबन 25 को जहाँ प्रोग्राम हुआ था सुन चुके हैं उनको और एक और खूबसूरत आवाज जो आज ही कराची से आए हैं हमारे दावत पर जनाब सैयद मुजम्मल रिजवी कराची से तशरीफ लाए हैं वो हमारे मेहमान जो इतनी दूर से आए हैं ये तो इंशाल्लाह हम आप हर वक्त आपके पास हैं हर वक्त आपको जो आप हुक्म करते हैं वो सुनाते ही रहते हैं इसलिए तबक्कर हमारे ये तकरीर एक एक कलाम पेश करेंगे और उसके बाद फिर ज़्यादा वक्त हम उन मेहमानों को देना चाहते हैं जिनके पास माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ें भी हैं और खूबसूरत कलाम भी हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हमारे लाहौर के सामईन नूर अली नूर साहब को जो समाप्त करवा रहे हैं इंतहाई खूबसूरत कलाम और इंतहाई आला तरीन कलाम जो उनको माला की तरफ से अता होते हैं वो सुनने के लिए हमें ज़्यादा वक्त चाहिए इसलिए आयशा बड़ी मादत के साथ हमारे जो साकरीन हैं वो एक एक कलाम तवल पर पेश करेंगे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा दो फरमाइशें लेना है उनसे एक कलाम पे दो शेर पढ़ूंगा और दूसरा कलाम पूरा पढ़ूंगा दोनों पढ़ूंगा मैं दोनों बने गई हमारी हम भी हैं
इशारा